बिहार के बेगूसराय में पुलिस प्रशासन के नाम पर ठगी जैसा मामला प्रकाश में आया है। जी हां, नकली एक्साइज ऑफिसर बनकर सोने जेवरात कारोबारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के हीरालाल चौक स्थित हीरो बेकरी के समीप की है। प्रेरित सोना कारोबारी की पहचान नगर थाना क्षेत्र के पावर हाउस गाची टोला के बालो ठाकुर के पुत्र भुवनेश्वर ठाकुर के रूप में की गई है। प्रेरित सोना व्यापारी भुवनेश्वर ठाकुर ने बताया कि 3 दिसंबर के शाम 5 बजे हीरालाल चौक के समीप अपना सोना चांदी का दुकान बंद कर सोना को साथ लेकर एक बैग में रखकर अपने घर जा रहे थे। उसी समय जैसे ही दुकान से 30 मीटर दूर आगे बढ़े कि उसी दरमियान 3-4 युवकों ने उन्हें घेर लिया और खुद को एक साइड ऑफिसर बताकर बोलने लगा कि मुझे चेक करने का अनुमति मिला है। जब तक कुछ प्रेरित समझ पाते तब तक मैं चारों युवक तलाशी लेने लगे और बैग में रखे सोने जेवरात को लेकर मौके से फरार हो गया। वही लोग मुख दर्शक बनकर देखते रहे और अपराधी एक्साइज के नाम पर लाखों की सोना लूटकर उस भीड़भाड़ इलाके से फरार हो गया। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार समेत सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। कारोबारों ने बताया कि लगभग 25 से 30 सालों से हीरालाल चौक पर एक अपना छोटा सा दुकान सोना चांदी का खोले हुए हैं। तभी पीड़ित ने बगल के दुकानदार से सीसीटीवी फुटेज को खंगालने लगा तो मामला सही में घटना हुई है। परित ने फिलहाल बताया कि 5.5 लाख की तकरीबन सोने चांदी की धोखेधारी कर लूट हुई है। नगर थाने की पुलिस मामले की बारीकियों से जांच में जुट गई क्योंकि मामला थाने की पुलिस को समझ से बाहर लग रहा है। बता दें कि आपको मामला पुलिस ने बताया कि गलत है। फिलहाल प्रीता का लिखित आवेदन मिला है, जांच उपरांत ही सही का पता चल पाएगा। बीडी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। क्या मामला है? क्या क्या सामान ठगा है? सोना का सामान। कहाँ से? हीरो बेकरी के पास। आप क्या करते हैं? हम तो करीगरी करते हैं। दादा जाते हैं, सामान लेने जा रहे थे, शादी विवाह का था, कुछ धंधा उनका था, वैसे लेने जा रहे थे। इसमें दादा को बोला गया। क्या बोला? और क्या क्या सामान लिया? चेन था, टीका था। कितना का सामान था? क्या था? नहीं, कब का मामला है? थाना में आवेदन दिए? हाँ हाँ। क्या बोला थाना? सर निकला। कहाँ पर?